अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब? तो उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे और सबको हमेशा अपने दरमियान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं आप सबको बनाना सिखाऊंगी बहुत ही मज़े की 3 मिल्क शेक, और ये तीनों बहुत मज़े के बनते हैं। और एक हमने बनाया है पीच, और दूसरा हमने बनाया बनाना, और तीसरा हमने बनाया मैंगो मिल्क शेक। दिखने से माशाल्लाह से ये बहुत यमी लग रहे हैं, तो इसके लिए देखनी पड़ेगी आपको ये मेरी पूरी वीडियो। तो चल जल्दी से आप ये वीडियो देखें और फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये मिल्क शेक कैसे लगे। तो चलिए वीडियो देखते हैं। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और साथ ही बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, उससे आने वाली मेरी हर नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। यहाँ पर एक मैंने मैंगो ले लिया है, और हमें 2 पीच चाहिए, और यहाँ पर 4 मैंने बनाना को कट कर लिया है। अगर आप ज़्यादा बनाना चाह रहे हैं तो आप ये फ्रूट जो है वो ज़्यादा ही लेना। और यहाँ पर मैंने मिल्क ले लिया है जो कि 3 ग्लास, और यहाँ पर हमें शुगर चाहिए, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालना। मैं 2 टेबलस्पून डालूंगी तीनों मिल्क शेक में, ठीक है, मतलब इसमें भी 2 टेबलस्पून और इसमें भी। और हमें चाहिए बर्फ, और साथ हमें चाहिए 5 से 6 पिस्ता ले लेना। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे बनाना मिल्क शेक, तो उसके लिए हम चीज़ें डाल देंगे। डालूंगी मिल्क, और जब भी मिल्क शेक बनाते हैं तो सारी चीज़ें डालने के बाद उसके अंदर 1/2 कप दूध डालते हैं कि पहले हम उसका अच्छे से पेस्ट बना लें, तो वो अच्छे से ग्राइंड भी हो जाता है। तो उसके बाद आप दूसरा मिल्क ऐड कर देना। चलिए अभी हम इसे ग्राइंड करते हैं। तो इसको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया, तो थोड़ा सा हम मिल्क और डाल देंगे, और ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो चलें अब हम इसे ग्लास में निकाल लेते हैं। अब हम बनाएंगे पीच मिल्क शेक, और इसके लिए यहाँ पर मैंने पीच कट कर लिए हैं, और इसका छिलका उतार के आपने इसका मिल्क शेक बनाना है। अभी हम इसके ऊपर डालेंगे शुगर और मिल्क। पीच मिल्क शेक हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो चलिए इसको भी ग्लास में डाल देते हैं। मैंगो मिल्क शेक हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो चलें इसको भी ग्लास में डालते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, हमारी आज की रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, और ये माशाल्लाह से तीनों ही बहुत यम्मी हैं, बहुत टेस्टी हैं, आप ज़रूर ट्राई करना। वैसे तो बहुत आसान रेसिपी है, पर कुछ लोगों को नहीं बनाने आते, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा स्पेशल है कि बनाना मिल्क शेक और पीच मैंगो किस तरीके से ये तीनों मिल्क शेक बनाते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी, और जो मैंने ऊपर डिज़ाइनिंग इसकी की है वो भी बहुत अच्छी होगी। मतलब आपने क्या करना है कि बनाना को बिल्कुल बारीक बारीक स्लाइस में कट करना है, ठीक है, फिर यह कि वजन हल्का हो जाएगा और आपके बनाना जो है वो ऊपर ऊपर ही नजर आएंगे। और यहाँ पर पीच को भी मैंने बारीक से कट किया था, और ऐसे मैंने फ्लावर उसका बना दिया। आपने ऐसे उसको साइडों में रख के सिर्फ आपने उसको ऐसे ऊपर ऊपर करते जाना, ठीक है, मतलब उसकी लेयर लगा देनी है। और मैंगो के ऊपर हमने रख दिया है पुदीने के पत्ते, तो बहुत माशाल्लाह से तीनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो बस अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, और मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आप ये रेसिपी बना के इसकी पिक्चर मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम, मेरा फेसबुक पेज
इन दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इन सब जगह पर जाना और मुझे फॉलो करना। तो बस अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।